दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अभी तक स्मार्टफोन को बाय नहीं किए होंगे। वो अभी तक ऐसे स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं जिसमें अच्छा कैमरा हो, अच्छा दोस्तों यहाँ पर गेमिंग का फोन हो या फिर अच्छे प्रोसेसर लगा हो। तो आज के वीडियो के लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाले हैं जो कि दोस्तों अगले महीने यानी दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं, और शायद उनमें से एक दो आपको जनवरी में भी देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 10,000 के प्राइस रेंज से लेकर के 50,000 तक के प्राइस रेंज के स्मार्टफोन को बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक फॉर्मर्स। तो फर्स्ट नंबर में आता है वन प्लस 11 सीरीज के स्मार्टफोन। दोस्तों इसको ऑफिशियली वन प्लस ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन मीडियाटेक ने अभी कुछ दिन पहले अपना एक नया प्रोसेसर 8 Gen 2 को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन की लिस्ट जारी की थी, जिसमें वन प्लस 11 सीरीज को भी दिखाया गया था। हालांकि दोस्तों इसमें अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ कि यह सीरीज आने वाली कि नहीं आने वाली, लेकिन दोस्तों सबसे पहले चाइना में लॉन्च होगी, उसके बाद दोस्तों इंडिया में जनवरी के माह में आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड नंबर में आता है रियलमी 10 सीरीज के स्मार्टफोन। दोस्तों इस रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, जिसमें दोस्तों मैंने आपको सभी रियलमी 10 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में बताया कि कौन कौन से स्पेसिफिकेशन साथ दोस्तों यह फोन आने वाला है। हालांकि दोस्तों इसकी डेट ऑफिशियली रियलमी ने अनाउंस कर दी कि यह दोस्तों स्मार्टफोन आपको दिसंबर में 8 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, रियलमी 10, 10 प्रो और 10 प्रो प्लस। दोस्तों आपको 3 वेरियंट में स्मार्टफोन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर में आता ओप्पो रेनो 9 सीरीज का स्मार्टफोन। दोस्तों यह ऑफिशियल दोस्तों चाइना में लॉन्च होने वाला। दोस्तों कुछ इसकी लीक्स निकल के आ गई, जिसमें बताया गया कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ में कर्व डिस्प्ले और आपको कैमरे में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ओप्पो सीरीज के जो रेनो सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों कैमरे में इंप्रूवमेंट के लिए बनाए जाते हैं, इनमें दोस्तों कुछ खास नहीं रहता, लेकिन कैमरे में इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने आपको मिलता है। तो यह स्मार्टफोन आपको इंडिया में शायद जनवरी के माह में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी दोस्तों चाइना में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इसी महीने दोस्तों चाइना में लॉन्च हो जाएगा। तो एक महीने के अंदर अंदर आपको इंडिया में भी इसके दोस्तों स्पेसिफिकेशन और इसके दोस्तों ऐड आपको देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ नंबर में आता है रेडमी नोट 12 सीरीज के स्मार्टफोन। दोस्तों बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन दोस्तों आपको दिसंबर के सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 Gen 1 के स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 33 वाट का चार्जर, और आपको यहाँ पर कर्व एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों जो 12 सीरीज का प्रो मॉडल हो दोस्तों आपको शाओमी के नाम से देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको रेडमी 12 सीरीज का आपको अलग स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको प्रो मॉडल शाओमी 12 प्रो के नाम से देखने को मिलेगा। और फिफ्थ नंबर में आता है इनफ्लिक्स सीरीज के स्मार्टफोन। दोस्तों इनफ्लिक्स में आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। पहला दोस्तों यहाँ पर 0 सीरीज के स्मार्टफोन यानी इनफ्लिक्स 0 अल्ट्रा स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों इनफ्लिक्स का सबसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। और वहीं पर दोस्तों आपको इनफ्लिक्स हॉट सीरीज में आपको यहाँ पर इनफ्लिक्स हॉट 20 प्ले और इनफ्लिक्स हॉट 20 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इनफ्लिक्स 0 अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा है इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 180 वाट की फास्ट चार्जिंग और आपको यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इसकी प्राइस आपको 21 से 22 हजार के अराउंड देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इनफ्लिक्स हॉट सीरीज के स्मार्टफोन की, दोस्तों इनफ्लिक्स हॉट 20 सीरीज के स्मार्टफोन यहाँ पर लो बजट के स्मार्टफोन होने वाले, जिसमें आपको 10,000 से लेकर 12,000 के आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बार इनफ्लिक्स से ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर गोविंदा को बनाया गया है, तो आपने यहाँ पर गोविंदा का एड देखा होगा, जिसमें यहाँ पर इनफ्लिक्स का प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनफ्लिक्स का जो पर 0 अल्ट्रा स्मार्टफोन है दोस्तों यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। तो ये स्मार्टफोन आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने अभी तक आपको यहाँ पर इनफ्लिक्स के 3 सीरीज के यहाँ पर 0 अल्ट्रा और यहाँ पर हॉट 20 और हॉट 20 प्रो स्मार्टफोन आपको बता दिया, यानी टोटल मैंने आपको 8 स्मार्टफोन बता दिया। वहीं पर दोस्तों 9th नंबर में आता है यहाँ पर IQ11 सीरीज का स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले और आपको यहाँ पर मीडियाटेक के लेटेस्ट 8 जेन 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, और साथ में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ। दोस्तों मलेशिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है इंडिया में आपको यहाँ पर जनवरी के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस आपको यहाँ पर 30 से 40 हजार के अराउंड देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों बात किया 10th नंबर के स्मार्टफोन के, तो है दोस्तों यहाँ पर वीवो का 90X सीरीज का स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों चाइना में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। दोस्तों इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और मीडियाटेक का लेटेस्ट 8 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और बताया जा रहा है दोस्तों इसमें आपको 1 इंच का यहाँ पर कैमरा सेंसर भी देखने को मिलेगा, जो कि DSLR को टक्कर देने वाला। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में जनवरी के सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा, और इसका प्राइस 50,000 के अराउंड होने वाला, जो कि दोस्तों यहाँ पर काफी फ्लैगशिप यहाँ पर वीवो का फोन होने वाला। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर जनवरी और दिसंबर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप कमेंट में बताएगा आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बाय करने वाला। और आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और दोस्तों आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे स्मार्टफोन के वीडियो बनाने के लिए।